उस देश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। सिर्फ चाहे वो त्रेता हो, सतयुग हो, द्वापर हो, युग बदले, लेकिन ईश्वर का रूप बदलता है, स्वरूप वही रहता है। अंतर आत्मा जो है वो वही है, सिर्फ चोला बदल जाता है। बस इसी को तो समझने की बात है मेरे भाई बहन। अगर इतनी छोटी सी बात को हम समझ लें तो हम घर में ही रह के एक संत बन जाते हैं। दूसरे के भाव को समझना, ईश्वर को समझना, दया में मेरे प्रभु निवास करते हैं। जिस व्यक्ति, जिस जीव को दया ना आती हो, वो जीव जीव होने के नाम पे कलंक है। जिस जीव को, जिस मनुष्य को दया नहीं हो, वो मनुष्य होने के लायक नहीं है। हम जब पदवी पा लेते हैं तो पदवी पा लेने के बाद भूल जाते हैं कि मेरी असली, असल में मेरी जिंदगी क्या है। कहते हैं ना, दो बातों को कभी मत भूलिए, एक जन्म और एक मृत्यु। और साथ ही जन्म को तो याद नहीं है, एक ईश्वर और एक मृत्यु को। ईश्वर ही एक है जो सत्य है, सच्चिदानंद है, और मृत्यु सत्य है। आप कितना भी कोशिश कर लें, अमर तो हो नहीं सकते। मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, लेकिन मरना है। ये पता नहीं कि कब मरना है, लेकिन जो व्यक्ति की इस मृत लोक में जन्म हो गया है, उसको एक दिन जाना ही है। लेकिन हम समझना नहीं चाहते। तो मैं प्रथम दिन जब कही, आज फिर एक बार दोहरा के, क्योंकि आज हम अंतिम विश्राम की ओर जा रहे हैं। कथा सुनना अच्छी बात है, दया करना वो भी अच्छी बात है, दान करना वो भी अच्छी बात है, पुण्य करना, लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ जो है आपके घर में है, आपके माता पिता है। अगर आपके माता पिता रो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी विपत्ति दरवाजा खटखटा रही है। आप अगर आज खुश हैं तो चंद दिनों की खुशी है मेरे भाई बहन, आप जान लेना। बहुत जल्द ये खुशी गम में बदलने वाली होगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आज हम ताकतवर हैं, आज अगर हम ताकतवर हैं तो कल भी ये ताकत रहेगी, तो ये गलती मत करें। अगर आप अपने माता पिता को खुशी खुशी उस जीवन तक जीने दे जहां तक उनकी आयु है, तो सच मानिए, कथा में मैं यही बताती हूं सबों को, आपने बहुत दान किया, भगवान आपको इतना दिया, आपने बहुत दया करी, बहुत मंदिरों में सेवा करी, लेकिन अगर आपकी माता जी और पिताजी घर में उदास है, मैंने देखा है, मैं वृद्धाश्रम जाती हूँ, यहाँ एक वृद्धाश्रम है, मैं वहाँ अक्सर जाती हूँ, अच्छे अच्छे घर के लोगों की मति भ्रष्ट हो गई है, माता पिता को रखना नहीं चाहते, धमकियाँ देते हैं, ये जान जाना अगर माँ रो रही है तो आने वाला समय आप उससे अधिक रोने वाले हैं। क्योंकि कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, कभी वो भी तो बहू थी आपकी तरह। और एक चीज और मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि मैं अपने माता पिता या किसी स्वजनों का घर
चलाता हूं तो ये कभी सत्य नहीं है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का, अपने कर्म का फल इस धरा पे भोगता है, पाता है और चला जाता है। अगर आप अच्छे से जीवन जी रहे हैं, आपका बेटा लायक है, बड़ी भाग्य की बात है। लेकिन अगर आपका बेटा नालायक है तो आप बद्दुआ ना दें, क्योंकि आप जब रहेंगे नहीं उस वक्त जब उसकी दुखियां घेर लेगी, दुखी दुख घेर लेगा, उस वक्त हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जब हमारे बीच हमारे बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं तब हमको उनकी याद आती है। जब जीवित होते हैं तो उनको कभी देखते नहीं, 10 ठो गाली देकर 10 ठो बात करके आप खाना परोसती हैं अपनी माँ को, सास को। माँ गई तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सासों को देखते मुंह टेढ़ा कर देती हैं, ऐसा मत करें। देखिए ये जितने भी संत हैं जो कथा करते हैं, कथा तो एक जीवन का सार, क्योंकि कथा जो है हमें गलत कार्य करने से रोकती है। श्रीमद् भागवत कथा का ये बहुत बड़ा गुण है कि अगर आप गलती भी करना चाहें तो आपसे गलती नहीं करने देगी। कथा का प्रभाव है ये। आप 1000 बार आपको लगेगा कि मैं गलत कर रही हूं, तो कम से कम कथा सुनने जितने भी हमारी बहनें आई हैं, एक प्रण लेके जाएं कि आज के बाद हम किसी पे बेवजह क्रोध नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। देखिए जब बड़े बुजुर्ग उम्र हो जाती है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन जरूर आ जाती है, लेकिन जब आप अपने माँ के गोद में गंदगी फैलाते थे, रात भर माँ सोती नहीं थी, तो क्या माँ आपको छोड़ दी थी? जब आप बोलना भी नहीं जानते थे, गूंगे रह के आप सब कुछ काम करवाते थे अपनी मैया से, तो मैं अनुरोध करूंगी कि कम से कम जितने लोग मेरी कथा को सुन रहे हैं, आप चाहे कितना भी धनवान बन जाए, एक बात पक्की है, अगर आपके घर में माता श्री, पिता श्री या जो भी आप पे निर्भर रहने वाला व्यक्ति है, अगर वो रह रहा है और आप उसे 10 बात करके उसे खिला रहे हैं, पहना रहे हैं, या कर्म करके आप उसे हल्ला कर रहे हैं, तो आपके फल की प्राप्ति नहीं मिलेगी, आपका पुण्य दिन पे दिन घटता चला जाएगा। इसीलिए तो भागवत कहते हैं गुप्त दान करो। गुप्त दान का मतलब कि जो सिर्फ ईश्वर जाने और आप जाने, उसके अलावा तीसरा ना जाने। लेकिन हम अज्ञानी हैं, अगर हम अलग मजबूरी है कि लिफाफा पास में नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें बंद लिफाफे में आप ठाकुर जी को चढ़ाएं, जो ठाकुर जी देखें और आप जानते हैं। कभी प्रयास ना करें कि मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, आप जो भी कर रहे हैं इस धरती पर रह जाएगा। और दूसरी बात, आपके अपने परिवार हो या आपके पड़ोसी हो, दूसरे की खुशी में 50 गुना खुश होने की आदत डालें आप, 100 गुना। अगर आपके परिवार का लोग कोई तरक्की कर रहा हो तो आप उसको सराहना दें, उसकी तारीफ करें, ना कि बुराई करें। क्योंकि आप जान जाइए जितनी बुराई उसको उसका आप करेंगे, वो व्यक्ति बढ़ता चला जाएगा और आप घटते चले जाएंगे। क्या बोलना पड़ेगा जोर से जरा। तो ठाकुर जी कहते हैं कि बस आप मेरी पूजन वंदन करो, दया दृष्टि रखो, मैं तुम्हारा हूं। देखिए ऐसा होता है, आज तो अगर घर में 2 परिवार आ जाए ना तो बहुरानी का मुंह एकदम खराब हो जाता मूड। कब आए, आते पूछती कि कब जाना है, होता है ना ऐसा, कब जाना, कब की टिकट है आपकी लौटने की। लेकिन वही अपने पीहर का कोई परिवार आ गया
तो बोलते टिकट करवा के नहीं आए, टिकट हमको करवा के देना है। ऐसा होता है ना, हाँ कि ना, हाँ ना। तो ये जरा ध्यान रखें, ये दोनों परिवार आपका ही है और आप का सौभाग्य है कि आपको किसी करने का मौका मिल रहा है। आपके घर में जिनके घर में बहनें नहीं हैं, उनसे जाके पूछो कि उनके घर में कितना सुनापन है, क्योंकि लड़कियां जब आती हैं ना तो आपके घर की विपत्तियों को लेके चली जाती हैं। लड़की को आपने दान कर दिया है, बेटियों को, तो भाभियों से मेरा अनुरोध है खूब ले दे के विदा करें नंदों को, क्योंकि अगर चाहती हैं कि आपको बहुत कुछ मिल जाए तो कम से कम एक साड़ी चूड़ी सिंदूर दे के जरूर विदाई करें, तभी भगवान आपको 10 साड़ियां देंगे। तो बेटियों को विदा करें मन खुश करके, ना कि नाराज हो। बेटियां आती हैं आपके घर की, सुख शांति बना के आपके घर के बुरे जो निगेटिव पार्ट्स हैं वो ब्राह्मण हो जाती है ना, तो ब्राह्मण को सब माफ है, तो आपकी बुराई को लेकर चली जाती है। इसलिए जब बेटियां आती हैं आपके, नंदे आती हैं, तो बड़ी प्यार से उसका स्वागत करें, क्योंकि आप भी किसी घर की बेटी हैं। और चलिए, ये प्रथम दिन भी मैंने कहा था और मैं याद दिलाई कि कथा हमें गलत कार्य करने से रोकती है, अच्छे कार्य करें, घर में अतिथियों का सेवा करें, संतों का सेवा करें। कल हम लोगों ने रुक्मिणी मैया और हमारे ठाकुर जी श्री बांके बिहारी का सुंदर विवाह का दर्शन किए, हम लोग झांकी का पूरी मथुरा में खुशियां हैं। आज प्रभु ने एक सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया है, आज वहीं गए हैं, आज उनका तिलक हुआ है, वहां के राजा हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुंदर निर्माण हुआ है द्वारकापुरी का, सुंदर निर्माण। लेकिन इसी बीच प्रभु अपनी रुक्मिणी मैया के साथ द्वारकापुरी में है और सूर्य ग्रहण लग गया है। सूर्य ग्रहण लगा तो सूर्य ग्रहण में अपने कल्याण के लिए जितने भी भारतवर्ष के जीव हैं अपने अपने कल्याण के लिए कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं, वो तीर्थ में कुरुक्षेत्र, जितने भी इस भारतवर्ष के जगह हैं सब अपने अपने गाड़ियों में बैठकर पहुंच रहे हैं कुरुक्षेत्र। और ये खबर लगी नंद बाबा को कि आज कृष्ण और बलराम भी कुरुक्षेत्र में पधारने वाले हैं। उग्रसेन जी, यदुवंशी जितने भी हैं वो भी अपने पापों को मुक्त करने के लिए कुरुक्षेत्र पधार रहे हैं। नंद बाबा और जितने गोप गोपी सब गाड़ियों में लद के बैठ के सवारी करके कुरुक्षेत्र में इंतजार कर रहे हैं कन्हैया का। और तभी हमारे ठाकुर जी बलराम जी के साथ में पधारते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया को देखते ही जितने भी ब्रजवासी थे जो मूर्छित और अचेत अवस्था में थे, सबके बदन में जैसे एक संचार हो गया, एक मृत शरीर में जैसे एक खुशी का संचार हुआ। कृष्ण को देखते सब मूर्छा अवस्था में जो थे सब अपने आप ठीक होकर बैठ गए, और जैसे लगा कि जिसके प्राण निकल रहे थे अचानक प्राणों की संचार हो गई।
जसोदा मैया दौड़ के जाती है और अपने लाला को आलिंगन करती है। साथ में देवकी जी भी हैं, वसुदेव जी भी हैं, मिलते हैं, मिलके बातें होती हैं। आज प्रभु सभी गोपियों को, अपने बाल सखाओं को अपने नेत्रों से देख रहे हैं और आंखों ही आंखों से वो बातें कर रहे हैं। और बातें क्या कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि गोपियां और भगवान कृष्ण आपस में आलिंगन कर रहे हैं, मानसी जिसको कहते हैं दिमाग से भाव को अपने दिल में महसूस करना, मन से। देवकी मैया कहती है, जशोदा आप धन्य हैं जो आपने लाला को इतने अच्छी तरह से रखा, ये सौभाग्य तो मुझे मिला नहीं। और बड़ी बात तो ये है कि जब से ये आपके पास से हमारे पास आया है, तब से माखन नहीं खाया। आज मैया अपने आंचल से निकालती है माखन का वो बर्तन कटोरा और अपने गोद में बैठा ली है। गोद में बैठा के माखन खिला रही है कन्हैया को। और प्रभु हमारे एक टक देखकर माखन खाए जा रहे हैं। देवकी मैया कह रही है, धन्य हो जशोदा, आज तक मैं कितना भी प्रयास की लेकिन तेरा लाला जो है ना, आज तक माखन मुंह में सटाया नहीं, माखन मुंह में नहीं सटाया। और देखिए आज आप जैसे ही माखन लाई हो तो जैसे लग रहा है कि बरसों का भूखा है मेरा लाला और माखन मन से खा रहे हैं। मेरे प्रभु यहां पे सुंदर लीला करी है, सबों को दर्शन दिया। आज जितने भी ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला तूने अपने वादा पूरा किया, और मेरे भाई बहन हम लोग तो आपके इंतजार में थे, ये शरीर किस काम का, बस आप दर्शन हो गया, तुम्हारे इंतजार में थे। इस प्रकार बहुत देर तक आपस में बातचीत होती है, खूब आनंदित होते हैं। और आज फिर हमारे द्वारका नरेश, द्वारका के राजा श्री बांके बिहारी अपने द्वारकापुरी में हैं। देखिए एक सत्राजित की एक कथा आती है, यहां पे सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं कि आप अपने भूख प्यास तो आपने सब खत्म हो गया आपका, लेकिन आप अपने सांसों को पी के, हवा को पी के आप एकाग्रचित भगवान के सारे अंगों को आप देख रहे हैं। क्योंकि परीक्षित तो कथा सुन रहे थे, मैं प्रथम ने बताई, तो परीक्षित कह रहे हैं कि प्रभु अब भूख प्यास की क्या बात, अब तो मैं अपने ठाकुर जी के सब अंगों को मैं देख रहा हूं और मैं अपने आप को समर्पित कर दिया हूं ठाकुर जी के चरणों में। तो आज सुखदेव जी कह रहे हैं कि सत्राजित भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे और भक्ति करी करने के बाद सूर्य भगवान ने सत्राजित को एक मणि प्रदान किया, मणि का नाम था सामंतक मणि।
उस मणि का काम क्या था कि रोज आठ भर सोना दिया करती थी, आठ भर सोना। तो सत्राजित राजा था, उनके घर में, उनके महल में धनों का भंडार हो गया। तो एक दिन भगवान कृष्ण उनके पास आए और बोले कि सत्राजित, तुम्हारे पास तो बहुत धन इकट्ठा हो गया, ऐसा करो कि उग्रसेन को दे दो, ये भी राजा है, इनके पास भी खजाने में सोने चांदी भरेंगे तो कल को काम आएंगे। तो सत्राजित ने कहा, भगवान मैंने कितनी तपस्या करी तब जाके ये सामंतक मणि मुझे मिली है, मैं उग्रसेन को क्यों दूंगा, मैं नहीं दे सकता। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, जैसे हम एक साथ बैठते हैं तो बातचीत होती है ना, उसी तरह बात किए और वहीं पे बात निकली। फिर प्रभु हमारे चले गए, सभा खत्म हो गई। सत्राजित का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेनजीत। तो ये मणि जो थी एक हार में लगी हुई थी, एक गले का हार में एक लॉकेट होता है ना, वो लॉकेट ही सामंतक मणि थी। तो आज इसका भाई क्या किया, सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि वाले माले को पहन लिया अपना गला में और पहन के घोड़े पे सवार होके जंगल में शिकार करने के लिए आज वो निकला। शिकार करने निकला, थोड़ी देर में एक शेर मिला और शेर से मुठभेड़ हुई, शेर भी मारा गया और प्रसेन भी मारा गया। अब प्रसेन अपने घर लौटा नहीं, तो सत्राजित के मन में एक भाव आ गई, बात आ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं, कल की सभा में कृष्ण आए थे, कह रहे थे उग्रसेन को दे दो, कहीं मेरे भाई को मरवा के वो मणि तो नहीं ले लिया कृष्ण। मेरे भाई बहन देखिए, कलंक तो भगवान को भी लगा है, हम कलंक से डरते हैं, लेकिन यहां प्रभु के सिर्फ एक समझदारी की बात की थी हमारे प्रभु ने और उन्हें कलंकित कर दिया गया। ये बात प्रभु श्री कृष्ण को पता चली, गांव में उस राज्य में हल्ला हो गया कि कृष्ण ने ही इस मणि को चुरा लिया है, और हो न हो भगवान कृष्ण सोचे ये कलंक मेरे सर पे लग गया, अब ये कलंक को मिटाना जरूरी है। आज वो क्या किए हैं, उस राज्य के कुछ बड़े लोगों को ले लिए और लेकर बोले कि आप लोग मेरे साथ चलिए, क्योंकि अकेले मैं कैसे अपनी सफाई दे पाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण अपनी सफाई देने के लिए अब सामंतक मणि को ढूंढने निकले हैं, साथ में दो चार लोग हैं। जंगल की ओर निकले, थोड़ी दूर पर गए तो देखा कि घोड़ा मरा पड़ा हुआ है, और आगे गए तो देखा कि प्रसेन उसका भाई भी मृत पड़ा हुआ है। भगवान को भी एक लीला करनी थी, इस लीला में भी एक लीला है। हुआ क्या कि जब उस शेर ने प्रसेन को मारा तो गले का माला भी तो प्रसेन के साथ ही पड़ा था गले में। वहां पे जामवंत जी जो ऋषिराज हैं, जामवंत जी वहां पे आए हैं, देखा घोड़ा मृत पड़ा है, एक पुरुष भी मृत पड़ा है, लेकिन एक चमकीली सी वस्तु काफी चमक रही है। जामवंत जी ने सोचा कि कोई खेलने की चीज होगी, कुछ ऐसा ही होगी कोई चीज। उन्होंने उस मणि को लाके अपनी बेटी जामवंती को दे दिया खेलने के लिए कि लो रखो, एक कुछ है।
जामवंती जो है जामवंत जी की बेटी है, थोड़ी दूर पे गुफा है। जब भगवान कृष्ण अपने साथियों को लेके आगे बढ़े तो समझ गए ये गुफा में ही कोई रहता है, हो ना हो इस गुफा में रहने वाला ही उस मणि को ले लिया हो। भगवान यहां पे सबको कहते हैं कि आप लोग गुफा के अंदर ना जाए, आप लोग बाहर ही रहें, मैं अंदर जाता हूं। प्रभु अंदर गए, अंदर गए तो जामवंत जी बैठे मिले, लेकिन उसके पहले देखा एक सुंदर सी लड़की भगवान कृष्ण को देखते ही दौड़ के अंदर भाग गई और उनके हाथ में प्रभु ने देखा वो मणि को जो प्रकाशित हो रहा था, चमक रहा था। हमारे प्रभु जैसे ही अंदर गए, ये जामवंती जो थी उनकी बेटी, उन्होंने कहा कोई आया है और ये मणि को मांग रहा था हमसे।